हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रीति। अभी हम लोग है द कैपिटल ऑफ द सिक्किम गैंगटॉक में। सो लेट्स एक्सप्लोर गैंगटॉक। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कि आप गैंगटॉक कैसे आए, कहाँ पे स्टे करे, कौन कौन सा साइट सीन पॉइंट है और कौन सा बेस्ट टाइम है पूरा गैंगटॉक एक्सप्लोर करने के लिए। 3 नाइट 4 डेज में आप पूरा गैंगटॉक कैसे घूम सकते हैं और आपका टूर बजट क्या होगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप गैंगटॉक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको गैंगटॉक पहुंचने के लिए पहुंचना पड़ेगा एनजीपी या सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन या बागडोगरा एयरपोर्ट। भारत के हर एक छोटे बड़े शहर से आपको डायरेक्ट ट्रेन या फ्लाइट मिल जाएंगी एनजीपी या सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए या बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन या फ्लाइट ना मिले तो आपको आना पड़ेगा द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में, और यहाँ से आपको हावड़ा या शियालदह स्टेशन से आपको ट्रेन मिल जाएगी एनजीपी या सिलीगुड़ी के लिए। या फिर अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो कोलकाता दमदम एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी बागडोगरा जाने के लिए। ये तीनों जगहों से आपको गैंगटॉक जाने के लिए शेयर टैक्सी, प्राइवेट कार और बस मिल जाएगी। तो अभी हम लोग है एनजीपी रेलवे स्टेशन में और यहाँ से हम लोग एक कार हायर करके जाएंगे गैंगटॉक। तो लेट्स गो टू गैंगटॉक। एनजीपी या सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन या बागडोगरा एयरपोर्ट, ये तीनों जगहों से गैंगटॉक पहुंचने के लिए आपका बस का कॉस्ट पड़ेगा 200 से लेके 300 तक और आपको शेयर टैक्सी का कॉस्ट पड़ेगा 500 से लेके 600 तक। और अगर आप प्राइवेट कार से जाना चाहते हैं सो 4 सीटर कार का चार्ज पड़ेगा 3000 to 3500। और अगर आप 7 या 8 सीटर कार से जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज पड़ेगा 4000 to 4500 पर कार। तो हम लोग गैंगटॉक जाते वक्त, अभी हम लोग है शिवोक रोड के ऊपर। एनजीपी से गैंगटॉक जाते वक्त शिवोक रोड के ऊपर से आपको ये प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगी। हम लोग गैंगटॉक जा रहे हैं शेयर टैक्सी से। हम लोग का चार्ज पड़ा है 500 रुपीज पर पर्सन। अभी हम लोग है गैंगटॉक के टैक्सी स्टैंड में। आप जब एनजीपी से गैंगटॉक आओगे तो आपका कार आपको यहीं तक उतार देगा और यहां से आपको एक छोटा मतलब 4 सीटर गाड़ी बुक करना पड़ेगा अपने होटल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एमजी मार्ग के ऊपर से कोई भी बड़ा गाड़ी जाने की परमिशन नहीं है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक में और हम लोग यहाँ पे अपने होटल के सामने खड़े हैं और हमारा होटल का नाम है होटल पियोजेट। हम लोग गैंगटॉक के टैक्सी स्टैंड से अपने होटल तक पहुंचे हैं एक 4 सीटर कार बुक करके और जिसका कॉस्ट पड़ा है आपका 250 रुपीज पर कार। तो चलिए हम लोग आपको जल्दी से पहले इस होटल का रूम टूर दे देते हैं। ये है होटल पियोजेट का रूम, एक वेस्टर्न टॉयलेट, एक किंग साइज बेड और उसके साथ टीवी, एक वार्डरोब, एक फुल साइज मिरर और सबसे जो मेन अट्रैक्शन है ऑसम सा व्यू। और रूम में आपको एक इलेक्ट्रिक केटल भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ एक इंटरकॉम भी दिया हुआ है। हेलो गाइस, सो आज हम लोगों का गैंगटॉक में डे 1 है और शाम का वक्त हो चुका है। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे एमजी मार्ग के तरफ। सो आई एम सो एक्साइटेड। बट एमजी मार्ग जाने के पहले जो पीओजेड का रूम टैरिफ है और कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप लोग से एक बार शेयर कर लेते हैं। रूम टैरिफ है विद ब्रेकफास्ट 1500 रुपीज ऑनवर्ड्स और बुकिंग डिटेल्स है 8100178974।
अभी हम लोग चॉपस्टिक में है और चॉपस्टिक जो है वो आपका एमजी मार्ग के एकदम बीचों बीच में है और यहाँ से आपको पूरा एमजी मार्ग का व्यू मिलेगा। हम लोग स्टार्टर में लिए हैं पॉक ड्राई फ्राई और मेन कोर्स में हम लोग लिए हैं चिकन फ्राइड राइस और गार्लिक चिकन। इस फूड का टोटल बिल हुआ है 650 rupees फॉर 2 पर्सन। जस्ट ऑसम। तो काफी रात हो चुकी है, डे वन का वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट और मिलते हैं कल सुबह आप लोगों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा गैंगटॉक में डे 2 है और आज हम लोग सुबह सुबह रेडी होकर निकल चुके हैं अपने होटल से गैंगटॉक के साइट सीन के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं छांगू लेक, बाबा मंदिर और नथुला पास। गैंगटॉक, छांगू एंड नथुला पास आप साल में किसी भी वक्त आ सकते हैं, फिर भी यहाँ आने का बेस्ट टाइम है मार्च टू मई एंड सितंबर टू नवंबर। जून जुलाई अगस्त महीने के यहाँ पे हेवी रेनफॉल्स होते हैं, हिली स्टेशन है तो मानसून के टाइम में अवॉइड ही करें। दिसंबर जनवरी फरवरी यहाँ पे हेवी स्नोफॉल होती है और काफी ठंड रहती है, और आपको अगर ठंड ज्यादा पसंद है तो उस टाइम में भी विजिट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग 15 माइल तक पहुँच गए हैं और यहाँ से अगर आपको स्वेटर, जैकेट या गम्बूट की रिक्वायरमेंट है, कैप वगैरह, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी रेंट पे, और अगर आप बाय भी करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। आप इसके साथ साथ कुछ फूड भी ट्राई कर सकते हैं, तो मैगी, वाई वाई, मोमो, ये तो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं। आज कुछ अलग कुछ ट्राई कर रहे हैं और ये है चिकन फालिब जिसका कॉस्ट है 1 plate 70 rupees। एक प्लेट में 2 पीस रहता है और ये एक डीप फ्राई है और इसके साथ स्पाइस ऐड कर रहा है ये मोमो का स्पाइसी चटनी। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं छांगू लेक की तरफ। सो डे 2 हम लोग चले गए नथुला पास, छांगू लेक, बाबा मंदिर एक्सप्लोर करने। हम लोग गैंगटॉक से एक 4-सीटर कार हायर कर लिए थे जिसका चार्ज पड़ा था 4,500 rupees विद परमिशन। छांगू या नथुला पास गैंगटॉक से शेयर टैक्सी करके जाने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा गैंगटॉक वज्रा टैक्सी स्टैंड और शेयर कार का चार्ज पड़ेगा 1200 rupees से 1500 rupees पर हेड विद परमिशन। छांगू लेक, नथुला पास और बाबा मंदिर, ये 3 जगह जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है और परमिशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड और साथ ही साथ आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे आधार कार्ड वैलिड नहीं माना जाता है। और हाँ, छांगू लेक, बाबा मंदिर और नथुला पास का डिटेल्स में फुल टूर इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल के वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें। तो अभी हम लोग हैं छांगू के बाबा मंदिर में, तो चलिए पहले नजारा दिखाते हैं आप लोगों को। नथुला और जलेपला द्वार के बीच 13,124 फीट की ऊंचाई पर और गैंगटॉक से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर है। यह मंदिर किसी देवी देवताओं का नहीं बल्कि भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह जी का है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं छांगू लेक या तोसुमो लेक। हम लोग सुबह 10 बजे को अपना जर्नी स्टार्ट किए थे। आप लोग होटल से 8 बजे तक निकलने का कोशिश कीजिएगा तो सही रहेगा। और हम लोग नथुला पास नहीं जा पाए क्योंकि हेवी स्नोफॉल के लिए नथुला पास का रास्ता बंद था। तो अभी हम लोग है छांगू लेक के सामने में। छांगू लेक में जब आएंगे तो आप एक्टिविटी के तौर पे यक राइड कर सकते हैं और यक राइड पर पर्सन कॉस्ट है आपका 650 से लेके 1200 तक। ये डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट राइड ले रहे हो या पूरा लेक का एक चक्कर लगा रहे हो। छांगू में अगर आप चाहे तो आप रोप वे राइड भी कर सकते हैं और रोप वे राइड का टिकट प्राइस है 360 rupees पर पर्सन।
हम लोग गैंगटॉक में 3 नाइट स्टे किए हैं, उसमें से हम लोग 1 नाइट स्टे किए हैं होटल पॉज में और बाकी 2 नाइट हम लोग स्टे किए हैं होटल सन एंड स्नो में। तो चलिए आप लोगों को होटल सन एंड स्नो का रूम टूर दे देते हैं। एक किंग साइज बेड, इलेक्ट्रिक केटल, इंटरकॉम, 2 सोफा, एक वार्डरोब, फुल साइज मिरर, टीवी, सेंटर टेबल और एक वेस्टर्न टॉयलेट जहां पे आपको 24 आवर्स हॉट वाटर अवेलेबल है। होटल सन एंड स्नो का रूम टैरिफ स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 ऑनवर्ड्स और इस होटल का बुकिंग कॉन्टैक्ट नंबर है 8327273838 और ये होटल एकदम प्रॉपर एमजी मार्ग के ऊपर है। हम लोग शाम के 6 बजे ही अछांगो लेक से वापस आ गए थे। फर्दर रेस्ट लेके फ्रेश होके हम लोग अभी रेडी होके निकल गए हैं और फिलहाल अभी हम लोग एमजी मार्ग में हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ पे जाते हैं डिनर करने। तो अभी हम लोग हैं ड्रैगन वॉक के सामने में, तो आज हम लोग कुछ जापानीज एंड चाइनीज कुजीन ट्राई करेंगे। आज हम लोग डिनर में लिए हैं चिनो सूप, ड्राई चिली पॉप, जापानीज हैंडमेड स्ट्रीम बेक जिसका नाम है टीमो और याकितोरी जो एक चिकन का आइटम है। इस टोटल फूड का कॉस्ट पड़ा है 1000 रुपीज फॉर 2 पर्सन। तो आज का डे 2 का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा गैंगटॉक में डे 3 है और हम लोग सुबह सुबह रेडी होके निकल चुके हैं गैंगटॉक साइट सीन एक्सप्लोर करने। तो चलिए सबसे पहले हम लोग महाराजा स्नैक्स में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और आज हम लोग सुबह सुबह नाश्ते में आलू पराठे, छोला भटूरे और जलेबी लिए है जिसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 200 रुपीज फॉर 2 पर्सन। अब हम लोग जा रहे हैं 10 पॉइंट लोकल साइट से एक्सप्लोर करने। अभी हम लोग आए हैं बंजागढ़ी वाटरफॉल्स। यहाँ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है सुबह को 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और यहाँ का टिकट प्राइस है 70 रुपीज पर पर्सन। बंजागढ़ी वाटरफॉल के यहाँ पे आपको काफी एक्टिविटीज मिलेगी करने के लिए और पर एक्टिविटीज आपका 200 रुपीज पर पर्सन। इसके साथ साथ यहाँ पे आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटो भी क्लिक करा सकते हैं। अभी हम लोग हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ टिबेटोलॉजी, ये एक म्यूजियम है और ये इसका एंट्री टिकट प्राइस है 25 रुपीज पर पर्सन और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम इज फ्रॉम 10 o'clock फ्रॉम द मॉर्निंग टू 4 o'clock। ये वीक में 6 दिन खुले रहते हैं, मंडे टू सैटरडे, संडे क्लोज और गवर्नमेंट हॉलीडेज अगर होते तो उसी दिन भी क्लोज रहते हैं। जैसे आज गवर्नमेंट हॉलीडे है तो इसीलिए आज बंद है, तो हम लोगों को बाहर से इसको एक्सप्लोर करके जाना पड़ रहा है अगले साइट सीइंग पॉइंट। सो अभी हम लोग हैं डोडरुल चुतन मॉनेस्ट्री। इसमें यहाँ पे आने के लिए कोई भी आपका एंट्री फी नहीं है और ये वीक के 7 दिन ही खुली रहती है और यहाँ पे जब आएंगे ट्राई टू मेंटेन साइलेंस। अभी हम लोग हैं गैंगटॉक के रोपवे के सामने में और यहाँ का टिकट प्राइस है 130 रुपीज पर पर्सन और ये 10 मिनट्स का राइड होता है और यहाँ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है सुबह को 9:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक और ये वीक के 7 डेज ही ओपन रहता है। अगला साइट सीन पॉइंट भक्तन वाटरफॉल। यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है, कुछ भी नहीं और ये वीक के 7 डेज ही खुली रहती है और अगर आप यहाँ पे आके कुछ एक्टिविटीज करना चाहे जैसे जिप लॉकिंग हुआ या माउंटेन क्लाइंबिंग तो आप वो भी कर सकते हो और यहाँ पे पर एक्टिविटीज का कॉस्ट है 100 रुपीज पर पर्सन।
अभी हम लोग हैं गुंजन मॉनेस्ट्री और यहाँ का एंट्री टिकट प्राइस है 10 रुपीज पर पर्सन और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है सुबह को 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और ये वीक के 7 दिन ही खुली रहती है। और यहाँ से आपको पूरा गैंगटॉक शहर का एक प्यारा सा व्यू मिलेगा। अगला साइट सीन पॉइंट गणेश टॉक। ये गणेश जी का मंदिर है। ये सुबह को 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पे एज सच आपको एक्टिविटीज तो कुछ नहीं है, बट ये गणेश जी का एक मंदिर है तो आप यहाँ पे आके पूजा दे सकते हैं और इस तरह का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आप फोटोज खिंचा सकते हैं। और जो आप ये ट्रेडिशनल ड्रेस जो आप पहन रहे हो इसका कॉस्ट है 50 रुपीज पर ड्रेस। और यहाँ से बहुत प्यारा सा एक आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा। अगला साइट सीन पॉइंट गैंगटॉक हिमालयन जू, जिसका टिकट प्राइस है 45 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पे आपको रेड पांडा के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक। So, अगला साइट सीन पॉइंट तासे व्यू पॉइंट। ये आपको थोड़ा सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ से आपको पूरा गैंगटॉक का एक प्यारा सा व्यू मिल जाएगा और यहाँ पे कोई भी टिकट वगैरह कुछ नहीं है और ये सुबह से लेके शाम तक खुली रहती है। कोई ऐसा सच कोई टाइमिंग नहीं है और ये वीक के 7 डेज ही खुली रहती है। अभी हम लोग हैं हनुमान टक और ये एक हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे कोई भी एंट्री टिकट प्राइस नहीं है और ये सुबह को 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुली रहती है। और यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ आपको बहुत प्यारा सा एक व्यू भी मिलेगा। तो गैंगटॉक में जो हम लोग छांगू बाबा मंदिर नाथुला पास और गैंगटॉक के लोकल साइट सीन जो हम लोग 2 दिन किए हैं, हम लोग गाड़ बुक किए हैं हैप्पीनेस टूर्स एंड ट्रेवल्स से और हम लोगों का एक 4 सीटर कार का कॉस्ट पड़ा है फॉर 2 डेज 7,000 रुपीज और हैप्पीनेस टूर्स एंड ट्रेवल्स का कॉन्टेक्ट नंबर है 9749853201। फिर हम लोग एमजे मार्ग घूम के कुछ शॉपिंग किए। आप लोगों को भी एमजे मार्ग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ दुकानें मिल जाएंगी शॉपिंग के लिए। फिर शॉपिंग करके हम लोग अपना डिनर करने चले गए खान अंकल रेस्टोरेंट बिरयानी टेस्ट करने। हम लोग वहाँ पे चिकन बिरयानी और टंगरी कबाब के साथ अपना डिनर कम्प्लीट किए थे जिसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 700 रुपीज फॉर 2 पर्सन। टू गुड टू यम। एमजे मार्ग के ऊपर ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफे मिल जाएंगे जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट से लेके लंच या डिनर कर सकते हैं और बहुत सारे स्ट्रीट फूड की दुकानें भी मिल जाएगी। तो हमारा डे 3 का जर्नी यहीं तक था। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज गैंगटॉक में हमारा लास्ट डे है तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट कम्प्लीट करेंगे अग्रवाल्स में। यह एक वेज रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम पूरी सब्जी, इडली सांबर, जलेबी और रसमलाई ऑर्डर दिए थे जिसका टोटल कॉस्ट है 235 रुपीज फॉर 2 पर्सन और खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। हम लोग अभी गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड में हैं और यहाँ से एनजीपी जाने के लिए हम लोग एक शेयर टैक्सी बुक किए हैं और उसका चार्ज पड़ा है 500 रुपीज पर पर्सन और अगर आप सिलीगुड़ी जाते हो तो आपका 400 रुपीज पर पर्सन चार्ज पड़ेगा। गैंगटॉक में हमारा सफर यही पे एंड होती है पर आप लोग अगर चाहे तो सिक्किम के कुछ ऑफ बीट प्लेसेस या फिर नॉर्थ सिक्किम या वेस्ट सिक्किम या दार्जिलिंग भी जा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं गैंगटॉक टूर बजट के बारे में फॉर 3 नाइट 4 डेज।
आप जब गैंगटॉक आओगे आपको एमजी मार्ग के ऊपर 1,000 से लेकर 2,500 रुपए तक स्टैंडर्ड डबल बेडरूम मिल जाएगी। फॉर 3 नाइट 4 डेज फूडिंग का खर्चा पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2,000 से 2,500 तक पर पर्सन। एनजीपी टू गैंगटॉक, गैंगटॉक का लोकल साइट सीन और गैंगटॉक से आपका छांगू बाबा मंदिर, नाथुला पास और फिर गैंगटॉक से बैक टू एनजीपी, ये सब टोटल कार कॉस्ट आपका पड़ेगा 7,000 to 10,000 rupees 4-seater car या आप 7-seater car। ये टोटल टूर बजट आपका डिपेंड करता है कि आप लोग कितने जन आ रहे हैं एक साथ घूमने में। अगर आप लोग 6 से 7 जन एक ग्रुप में आते हैं तो टूर बजट होगा अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपए पर पर्सन। और अगर आप सोलो ट्रिप करते हैं विद शेयरिंग ट्रांसपोर्ट तब आपका टूर बजट होगा अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज पर पर्सन। और अगर आप कपल या 2 जन आते हैं फॉर 3 नाइट 4 डेज इस टूर प्लान के अनुसार तब आपका टोटल टूर बजट होगा अप्रोक्सीमेटली 9,000 to 10,000 rupees पर पर्सन। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलते हैं अगला डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए दिल खोल के घूमते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।